नमस्कार दोस्तों, आज हमारा सेकंड व्लॉग है। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, आप सभी जानते हैं, और मेरे साथ बैठी अक्षी दत्ता। आज हम दोनों निकले हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए। ट्रेनिंग पूरी नहीं डालेंगे हम लोग, एक छोटा सा पार्ट डालेंगे ट्रेनिंग का, और धीरे धीरे ट्रेनिंग्स डालते रहेंगे। आज एक छोटा सा पार्ट डालेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में और दूसरे पार्ट डालेंगे। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता रहेगा। बाकी चलते हैं ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, दिग्विजय जी और मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि हम ना एक्शंस करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आज अभी हम एक वर्कशॉप करने के लिए जा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, और उसके बाद हमारा आज गाजियाबाद का सेशन हमने रखा हुआ है। तो हम ना सारा दिन एक्शंस 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 लेते रहते हैं, और जो आज हम सफलता ले पा रहे हैं, आज हम इतनी इनकम कर पाए हैं, आज हम इतनी बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि हम एक्शंस बहुत ज्यादा करते हैं। बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं इस बात को कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो दोस्तों, हम भी बिलीव करते हैं अपने कर्मों को करने में, फल तो भगवान अपने आप दे ही देंगे। और अगर हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, अगर हम लोगों की लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं, तो ये तो दोस्तों होना ही होना है। तो जिंदगी ऐसी चलती रहेगी और ऐसे हम मजे करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से ट्रेनिंग में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम यहाँ
में हो रहा होगा 2 लाख बीवी, 20,000 बीवी, 10 लाख बीवी, 5 लाख बीवी, 4.5 लाख बीवी, हमारा होता है 2 करोड़ बीवी। तो चैलेंज बड़ा किसके साथ है, पहाड़ सर पे किसके है, दिग्विजय जी और मेरे, क्योंकि आपकी टीम में एक प्रॉब्लम है, हमारी टीम में 2000 प्रॉब्लम है, लेकिन हम हिलते नहीं है, डगमगाते नहीं है कि आज तो मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, आज तो ना मेरा चेक कम आ गया, आज तो मेरे तो 10,000 आते थे, मेरे तो 8,000 आ गए, अब तो मैं ना बिजनेस नहीं करूंगा या बिजनेस नहीं करूंगी, डगमगा देते हैं, लोगों को बंदा बनाने जाते हैं, खुद ही बंदा नहीं बन पा रहे, खुद की लॉयल्टी टाइम में नहीं कर पा रहे, खुद पे बिलीव नहीं कर रहे। 100 पीवी आ रहे, वो मनोज सर वो तो बोलते रहेंगे ना 100 पीवी क्या करने, हम तो ना 30 डाल लेंगे, अब तो 30 का प्लान आ गया है, डाल लो भैया, किसका जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, आपका जाएगा दोस्तों, आपकी अपलाइन को नुकसान होगा 10%, आपको नुकसान होगा 100%। तो सबसे पहले ना अपने अंदर को ठीक करो, इसको साफ कर दो। हम क्या करते हैं, 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे, तो बढ़े कितने कदम, सारी गड़बड़ ना दोस्तों यही है। अपने आप को सुधार लो, अपने अंदर को सुधार लो, सारी चीजें जो नेगेटिव है अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। कोई बिजनेस करे कोई बिजनेस नहीं करे, मैं तो करूंगी, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई कनाडा में करवानी है, मुझे तो अपने सास ससुर का नाम रोशन करना है, मुझे तो ये करना है। डगमगा लेगा जो, वो खत्म। सुरेखा मैम के पास 20 सालों के अंदर 4,200 करोड़ बहाने आए होंगे बिजनेस छोड़ देने के, ना करने के, उनकी डाउनलाइन ने भी उनसे उल्टा बोला होगा, उनको भी अपलाइन से कभी ना कभी कोई ना कोई शिकायत रही होगी, लेकिन वो क्या करा, वो सिर्फ चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, इसलिए आज 1.25 करोड़ रुपए कमा दिए। हमारे पास ना 10 सालों के अंदर कम से कम भी 2000 कंपनियों की लोगों ने बात करने की सोची है, लेकिन आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया ये तो वो है अंगद, अंगद का पैर कैसे जमा था, अंगद जी का बोला था उठा के दिखा दो इस पैर को, किसी में दम हो दो। कल भी अक्षय जी ना सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, कल भी कोई मिले थे सिमरन मैम को बताया, तो हमें मतलब अप्रोच करने बाय चांस हो गए थे, उन्होंने बोला वो छोटी सी अक्षय आगे रो में बैठती थी, मैकपाई में मीटिंग होती थी, साथ में हर्षिता भी बैठती थी, अब तो वो यूथ बन रही है, अब तो मतलब कल उन्होंने आपको प्रेस किया, किसी और कंपनी में चले गए बट कल वो आपकी तारीफ, किसी और कंपनी वाला भी आपको तारीफ करेगा यदि हम नहीं हिलने वाले। भैया कोई मर्जी आके हिला दे हमें, क्योंकि हमारा पैर कैसा है, अंगद जी के पैर की तरह, और पूरी सभा में कोई इसे उठा के दिखा दे, भगवान ही आके उठा सकते हैं हमें पूरे को, हमारा पैर नहीं कोई उठा सकता, क्यों, क्योंकि हम मोदी केयर के लिए पैदा हुए हैं और उसी के अंदर मरेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते, आप दिग्विजय जी और मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, हम 10 बिजनेस खोलेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस किस में रहेगा, मोदी केयर के अंदर, क्योंकि मैं चाहे बिजनेस में हल्दीराम भी बन जाऊं, चाहे मैं बिजनेस के अंदर टाटा अंबानी भी बन जाऊं, लेकिन मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं कभी भी परोपकार अगर कर सकूंगी वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर में हो सकता है। मैं कितनी खरबपति बन जाऊं लेकिन दुआएं तो यहीं से कमा सकती हूँ, पैसा तो हर जगह कमा जाएगा लेकिन दुआएं यहाँ कमाई जाएगी दोस्तों, और यही कारण है कि हम 1.25 साल 1.5 साल के बच्चे को ले लेके कहाँ कहाँ जाके बिजनेस को बढ़ा रहे। तैयार है स्ट्रॉन्ग होने के लिए? नेगेटिव बातों को सुनोगे? नहीं। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनकी बात को सुनोगे, या जो यहाँ टिक के पैसा कमा रहे हैं उनकी दिक्कत सुनोगे? और अगर किसी की सुनोगे तो भैया हमारा नुकसान नहीं करोगे। बहुत से लोग गए इधर उधर घूम के वापस आ गए मोदी केयर में। एक जयपुर से राजस्थान से एक जीबीडी है, वो चले गए थे छोड़ के दूसरी कंपनी करने को, जीबीडी टॉप लेवल पे आने के बाद, और उनका तो पता नहीं क्या दिमाग भटका और वो कहीं और चले गए। बीच में वो भी मिलती रहती है ना, लॉलीपॉप देते हैं बहुत से लोग, तो लॉलीपॉप के चक्कर में चले गए थे कहीं और फिर हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके 2 साल के बाद वो मोदी केयर में आए और दोबारा से अब जीआरडीडी बन गए मोदी केयर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को पॉजिटिविटी से, ग्लास है, ग्लास के अंदर अगर जहर होगा और ग्लास हिलेगा तो क्या छलकेगा, और ग्लास के अंदर यदि पानी होगा, अमृत होगा, तो उसको कितना भी लाओ क्या छलकेगा,
जहर भर के जाएंगे तो लोगों के आगे कितना भी मोटिवेट कर लो पता लग जाएगा ये जहरीला बंदा है, और अमृत रखोगे तो उसे यार क्या क्या बंदी है यार, ये तो मजा आ जाता है इससे मिलके, तो इसमें तो पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई। तो लोगों में 200 वोल्ट का 2000 वोल्ट का करंट कब डालोगे, जब खुद में होगा, खुद में वो करंट रखने को तैयार हो। yes. तो ये कर लिया ना तो अपने आप बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा, खुद को पावरफुल बना लो। कोई कुछ भी बोले, कोई जुड़े कोई नहीं जुड़े, लेकिन चेक कम हो चेक ज्यादा हो, बिजनेस चल रहा हो नहीं चल रहा हो, डाउनलाइन छोड़ रही हो या कर रही हो, लेकिन मुझे क्या करना है हमेशा पावरफुल रहना। रह सकती है? Yes. वेरी गुड। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। मेरा नाम है। हर संडे से अगले महीने से मैं अपने साथ दो न्यू ज्वाइनिंग को लेके फरीदाबाद ऑफिस और रजौरी ऑफिस में पहुंचूंगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी 5 बज चुके हैं, अक्षी और मैं गाजियाबाद के लिए निकल चुके हैं लीडर्स प्लानिंग के लिए। अक्षी गाड़ी ड्राइव कर रही है। और लीडर्स प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीडर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, उनसे स्ट्रक्चर बनवाते हैं और अगले महीने के टारगेट्स फिक्स करते हैं, अगले महीने काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पहले प्रॉपर फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद अगले महीने का हम लोगों का शेड्यूल तैयार होता है, शेड्यूल के ऊपर 1 तारीख से काम करना चालू कर देते हैं। तो अभी आज लीडर्स की प्लानिंग करानी है, और दोस्तों प्लानिंग हम लोग दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। तो अक्षय जी कुछ कहना चाहोगे आप आज? मैं आप सबको कहना चाहूंगी दोस्तों, जब हम इतने एक्शंस ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आज हमने एक सुबह वर्कशॉप करी और उसके बाद अब हम गाजियाबाद के लिए निकले हैं। हो सकता है हमें घर आते आते 8 बज जाए 9 बज जाए। दिग्विजय जी और मैं तो 9 to 9 काम करते हैं आज भी, इतनी इनकम कमाने के बाद, गाड़ियां लेने के बाद। तो दोस्तों मैं आप सबको कहूंगी, वैसे अक्षय एक बात बता कि ऑफिस हम लोग जाते हैं तो सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे तक ही आते हैं। नौकरी करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तब भी सुबह, और मोदी के लोग 9 से 9 करते नहीं है, सुबह निकलेंगे और फिर दोपहर को आ जाएंगे, लंच करेंगे, अपना सो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना फिक्स शेड्यूल बनाकर 9 to 9 जब हम काम करेंगे तभी हम इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हमें आउटपुट चाहिए तो इनपुट तो डालना पड़ेगा ना। और इनपुट्स क्या है? हमारे एक्शंस। अगर हम डेली बेस पे अगर काम करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो हमारा बिजनेस जो है वो 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं आप सबको भी ये कहूंगी, एक्शंस लीजिए, अपनी टीम को बिल्ड कीजिए और बहुत सारे पैसे कमाइए। थैंक यू। बहुत सारे पैसे कमाइए और ऐसी शानदार सी गाड़ी में घूमिए। दोस्तों झक्कास लाइफ हो चुकी है, मजे आ रहे हैं लाइफ जी के, तो आप लोग भी ऐसी लाइफ जी सकते हो आने वाले टाइम में। बस करना क्या पड़ेगा, 9 to 9 काम करना पड़ेगा, एक्शंस करने पड़ेंगे और अगले महीने का शेड्यूल पहले से फिक्स करना पड़ेगा, जैसे आज हम अपनी कुछ टीम के लीडर्स की प्लानिंग कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजने वाला है, और अक्षय और मैं अभी लीडर्स प्लानिंग कराने गए थे गाजियाबाद, वो ख़त्म करके अभी घर जस्ट घर पहुँचने वाले हैं। उत्कर्ष को हमने उसकी नानी के घर से ले लिया है, नानी के पास था, सो रहा है उत्कर्ष, कीजिए हमारे साथ है। अब हम दोनों घर जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो बस व्लॉग आज का यहीं तक था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।